दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको अयोध्या और जगदीशपुर फोर लेन को दिखाने वाले हैं कितना काम हुआ है। देखें, यहीं से जगदीशपुर से निकलते ही 1 किलोमीटर बाद आपको ये वर्क दिख जाएगा और ये सब गिट्टी फिट्टी रोड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं सड़क पे, तो काम चल रहा है। आजकल थोड़ा स्लो हो गया है काम, फिर भी धीरे धीरे चल रहा है और काफ़ी कुछ वर्क पूरा भी कर दिया बीच बीच में। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पे इन्होंने फोर लेन का जो पूरा ढांचा है वो तैयार कर दिया है और पक्की सड़क भी बना दी है, दोनों साइड में डामर भी डाल दिया है। तो शायद अनुमान है कि ये जो सड़क है फोर लेन है ये सीमेंट वाली नहीं होगी या डामर वाली होगी। तो ये देखिए डामर शुरू हो जाता है यहाँ से, यहाँ थोड़ा जो आपको फोर लेन का जो लुक है यहाँ आकर के थोड़ा आने लग जाएगा ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ फाइनली बना ही दिया है दोनों साइड में। तो बीच में दो दो तीन तीन जगह इस तरह से इन्होंने बनाया है और जगदीशपुर के साइड में ज़्यादा काम हुआ है। डाइवर्जन है जगह जगह, यहाँ पुल बन रहा है, पहला ब्रिज जगदीशपुर से निकलते ही पहला ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पे नदी है, छोटी मोटे नाले नदी है, तो यहाँ पे पुल बनाने का काम चल रहा है। इसमें भी काफ़ी काम हुआ है, ये देख रहे हैं, अभी हुआ नहीं, अभी तो बेस ही डाल रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें पानी लगातार बहता ही रहता है। ये पाइप डालेंगे क्या, शायद पता नहीं क्या करते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ने पे आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। अभी फिर से ये डामर वाली रोड जो है फोर लेन आ गई, फिर आगे अभी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको अभी सीधे रानीगंज में मिलता हूँ, रानीगंज का दिखाता हूँ कितना काम हुआ है। चलिए आइए देखते हैं फ्लाईओवर का कितना काम हुआ है। अभी तो इधर काम चल रहा है, दोनों ओर से खुदाई हो गई है और यहाँ से शायद रेज करके उस आगे पुल तक उठाएंगे इसको, इधर मिट्टी डाल के ऊँचा करेंगे, तो यहाँ से बेस से उठाएंगे और इधर देखिए पुल बन करके तैयार है। पर एक दिन तो मेरे सामने ही मतलब ऊपर से एक बड़ा सा लोहे का छज्जा टाइप का गिरा नीचे, पुल का कार्य प्रगति पे है। देखिए तमाम तरह के बड़े बड़े सरिये और लोहे रखे हुए हैं ना, ये ऊपर से गिरा था एक दिन। बहुत रिस्की है इसमें से जाना, हालांकि बड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रक जो चलते हैं लोडर ट्रक ना, वो उसके कंपन होता है, तो इस ब्रिज को छत भी पहुंच सकती है, छोटी गाड़ियां केवल जा सकती हैं। ऊपर देखिए लोहे के छज्जे वगैरह रखे हैं, ये यहां से उठाना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है इसको पुल को सबसे जल्दी ये लोग चालू करने के चक्कर में है, इसलिए पुल का काम बहुत तेज़ी से फास्ट हो रहा है। ये फिर से इन्होंने इसको बना दिया है आगे भी, और हिमालयन है तो इस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसको ऑफ रोडिंग ही कह सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, गड्ढे गुड्ढे युक्त रास्तों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब कार उतना अच्छा आप नहीं चला पाएंगे जितना अच्छा ये हिमालयन दौड़ती है इस रोड पे। ये ऐसे जब पूरा सड़क बन जाएगा तो हम लोग जगदीशपुर से और अयोध्या मात्र 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। कुल है 65 किलोमीटर, टोल शायद 1 लगना चाहिए, 1 टोल लगेगा संभवतः, अनुमानतः कह सकते हैं, शायद जाने लायक हो। दोस्तों ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अयोध्या और जगदीशपुर का जो हाईवे है यहीं पे क्रॉस करता है। तो शायद जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो उनको पता था कि ये फोर लेन बनना है या पास हो गया होगा उस समय, तो ये जो पुल है ना इसको उसी हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया है, इस फोर लेन के हिसाब से ही। देखिए दो बीच में पिलर दे करके दो टुकड़े में वन वे की तरह इसको ब्रिज को डिज़ाइन कर रखा है। तो शायद इनको जानकारी थी इस बात की अच्छे तरीके से कि ये फोर लेन पास हो गया, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो काम है वो 3-4 साल पहले ही शुरू हो गया था और इस पर काम अभी पिछले साल से शुरू हुआ है। तो शायद इसकी योजना का उन्हें भनक थी या उसके बारे में जानकारी थी। ये अगर आप यहाँ से लखनऊ और आजमगढ़ मऊ
गाजीपुर जाना चाहते हैं तो इससे जा सकते हैं हलियापुर। क्या हलियापुर की मार्केट है, देख रहे हैं। अगर आप पहले कभी आए होंगे इस मार्केट में और जिस समय ये नहीं टूटा होगा तो उस समय की कुछ और स्थिति रही होगी, और हलियापुर आज का देख लीजिए क्या स्थिति, पूरा चौड़ा हो गया, मकान वकान सब तोड़ करके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुमारगंज एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। ये रहा, पूरा नाम है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कुमारगंज में, और यहाँ भी काम देखिए, अभी इन्होंने इसको लेवल कर दिया है, बराबर कर दिया है। जो डामर वाली रोड है उसको मशीन से खींच के बराबर कर दिया है, और दूसरी लेन में काम चल रहा है इनका। अगर आप पहले कभी कुमारगंज आए होंगे तो आपको कुमारगंज पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में बन रहा है फ्लाईओवर और सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है। जो टेक्नोलॉजी से रानीगंज में फ्लाईओवर बन रहा है, सेम टेक्नोलॉजी से कुमारगंज में भी पुल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी देखिए बीच में केवल एक ही पिलर खड़ा किया इन्होंने, और इसी पिलर पे इनको दोनों तरफ जो है पुल को लटकाना है बैलेंस करके। रास्ता तो ऐसा हो रहा है कि जो नट ढीला होगा, नट बोल्ट, वो तो खुल के गिर जाएगा, और जो नट बोल्ट टाइट होगा वो ढीला हो जाएगा। ये स्थिति है रोड की, कार्य प्रगति पर है, देख रहे क्या तगड़ा तगड़ा बेस तैयार कर रहे हैं नीचे पिलर के लिए। ये भाई, क्योंकि ये फोर लेन का पुल बनना है ना, जैसे जैसे आप उधर बढ़ेंगे काम का, वर्क का प्रोग्रेस आपको ज़्यादा मिलेगा जगदीशपुर की तरफ, इधर कम होगा, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने फोर लेन की सड़क भी बनाई है कुमारगंज के उधर आगे जाएंगे तो। और इधर देखिए अभी पुरानी सड़क से ही काम चल रहा है, ये पुरानी वाली सड़क है, इतनी ही चौड़ी थी पहले, और उधर की तस्वीर उन्होंने बदल दी है उस साइड के, रानीगंज हलियापुर कुमारगंज के आगे वाला बराई पारा हम पहुंच चुके हैं। तो आगे आपसे मिलते हैं मिल्कीपुर में, और आपको दिखाएंगे मिल्कीपुर में क्या है प्रोग्रेस इस फोर लेन हाईवे का। दोस्तों अभी हम मिल्कीपुर में हैं, फैजाबाद में, और अयोध्या अभी फैजाबाद नाम ख़त्म हो गया, अयोध्या हो गया, तो अयोध्या के मिल्कीपुर में है। और यहाँ देखिए मिल्कीपुर में यहाँ भी मार्केट टूट चुकी है पूरी तरीके से, करीब करीब विमान के लिए 20 फीट इधर 20 फीट इधर, और बीच की सड़क अभी भी बरकरार है जैसे तैसे, दोनों तरफ सड़क टूटी हुई है। और यहाँ पे वर्क का प्रोग्रेस बस केवल गड्ढा किया गया है इसे माल भरने के लिए दोनों तरफ को, और अभी पोल वगैरह हटाया नहीं गया है। ये भी एक बड़ा टास्क है बिजली विभाग का, पोल को हटाना। तो इधर तो काम बहुत ही पीछे है, हो सकता है ठेकेदार कोई अलग हो। ये है आपका इनायत नगर, और इनायत नगर में देखिए क्या स्थिति है, वही है बीच की सड़क वैसे पड़ा है, बिजली का पोल पड़ा हुआ है, साइड साइड में खोद के मिट्टी अभी डालने का काम चल रहा है। अगर कोई भाई इनायत नगर से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य करना। और यहाँ से बीकापुर जाने का रास्ता है दाहिने तरफ से, इनायत नगर गदुरही, ये पूरा इनायत नगर ही है क्या। ये है आपका अपना कुचेरा बाजार, और कुचेरा बाज़ार में थोड़ा टूट फूट कम हुई, क्योंकि लोगों ने पहले से ही घर पीछे बनाया था, जो नए मकान बने थे। तो पोल तो अभी भी दिख रहे हैं यहाँ, बिजली के पोल नहीं हट पाए हैं। क्या बज रहा है, ढिन चिक ढिन चिक ढिन चिक ढिन चिक ढिन चिक ढिन चिक। अरे भाई
कहाँ देख रहे हो यार, उधर ध्यान कहाँ है यार इस लड़के का। जेसीबी काम कर रही है यहाँ पे, अभी लोग अपना दुकान भी बनाना शुरू कर दिए है। ये क्या है भाई, इन्होंने पूरा माल पानी सब लाद ही लिया है इस पे। तो लगभग हम अयोध्या के नज़दीक हैं। यहाँ है डाइवर्जन, यहाँ भी काम चल रहा है और काम इधर काफ़ी ढीला है भाई, पता नहीं क्यों पे मिट्टी ही डाल रहे हैं। उधर वो लोग सड़क बना रहे हैं। ये चमनगंज बारून बाजार है, ये भी अयोध्या में ही आता है क्योंकि हम अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी वर्क प्रोग्रेस आप देखें, सड़क वैसे के वैसे है, पुल जो बनने हैं अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, पोल बिजली का खड़ा है, साइड में केवल गड्ढे बनाए गए हैं और इधर तो काम शुरू ही नहीं हुआ। इधर देखिए अयोध्या 17 किलोमीटर है। ये आया आपका चमरगंज के आगे बारून बाज़ार, यही है भाई, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं अभी है। तो आप देख सकते हैं कि बारून बाज़ार में कितना वर्क प्रोग्रेस है, यहाँ तो बहुत पीछे है, अभी बहुत काम होगा। यहाँ पे फ्लाईओवर का शायद प्रस्ताव नहीं है बारून बाज़ार में। 4 लेन के अलावा अगर ये सर्विस रोड बना देने मार्केट में तो सारी समस्या ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ क्या होगा। 4 लेन का जो 1 लेन है, 1.5 लेन जो है मोटरसाइकिल और कार पार्किंग में ही चला जाता है और 4 लेन में केवल 1 लेन गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए बचता है, अभी अक्सर जाम लगा रहता है। ये थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना होगा कि अगर आप हाईवे बना रहे हैं तो सर्विस रोड मार्केट में अवश्य दें। इधर साइड में कुछ रेलिंग बना रहे हैं ये लोग जिसमें मिट्टी भरने का काम होगा, तो थोड़ा सा काम दिख रहा है इधर, थोड़ा सा। वो भी जगदीशपुर से जब निकला था तो वहाँ रानीगंज आया था और अयोध्या पहुँचने वाला हूँ तो यहाँ आ गया, रानी बाज़ार आ गया। और यहाँ तो बिल्डिंग भी कहीं कहीं नहीं टूटी है, देख रहे हैं कई कई मकान टूटे ही नहीं अभी। यहाँ दोनों लेन जो है अप और डाउन वाली लेन अलग अलग बन रहा है। ये चौराहा है और चौराहे पे पुल बना रहे हैं, तो चलो ये अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में तो भाई दिक्कत तो है ही। मऊ शिवाला, तो बगल में टोनिया गांव है, मैं मेरे दोस्त लोग रहते हैं, ये है मऊ शिवाला और बीच में ये पड़ता है मंदिर का कुछ हिस्सा, तो ये भी टूटना है। और इधर तो अभी बिल्डिंग ही टूट रही है धीरे धीरे, कुछ काम धीरे धीरे करके काम चल रहा है। ये पुलिया पे थोड़ा सा काम दिख रहा है और अब यहाँ से जब 4 लेन है वो सीधा चला जाएगा और जा करके लखनऊ गोरखपुर वाला जो हाईवे है उसी में इसको मिलाना है शायद, मतलब 1.5-2 साल मान के चलिए 2023 एंड तक काम होगा, और उससे पहले पहले 6 महीने बाद कुमारगंज से आपका जगदीशपुर का जो है वो 4 लेन चालू हो जाएगा। इधर अभी 1 साल पीछे है। ये है कुछ अपडेट, बस हम पहुँचने वाले हैं अब अयोध्या में। जैसे जैसे अयोध्या नज़दीक आ रहा है सड़कों पर गाड़ियों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ये नहर आ गया, नहर पे भी पुल बनाने का काम जारी है, देखिए पिलर वगैरह डाल रहे हैं ये लोग, इधर भी उधर भी। तो सामने जो है गोरखपुर लखनऊ का हाईवे दिख रहा है और उसी हाईवे में एक 4 लेन जा करके ये नीचे से ही मिल जाएगा, नीचे से मिला देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।